गाइस सबसे पहले आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट जो हमने कल इंट्राडे में दिया था आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ बताया था। तो देखिए इसमें प्रॉपर चांस मिला, कोई गैप ओपन नहीं हुआ और फ्लैट ओपन हुआ। और उसके बाद ये देखिए ये 603 से लेकर 626 तक चला गया। और जब इसका प्राइस ऊपर जा रहा था तब कहीं हमने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था, जब इसका सिक्स प्राइस प्राइस 612-15 के पास चल रहा तब टेलीग्राम में मेंशन अलर्ट डाल दिया था आपको कि ये देखिए ये कल वाला इंट्राडे स्टॉक। तो अगर आपने ये ट्रेड किया तो वेल एंड गुड। दूसरा आपको दिया था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखिए गैप अप ओपन हुआ बट ये यहाँ नीचे से इसमें फिर से देखिए धीरे धीरे चलता गया, होल्ड किया इसने और ये प्राइस देखिए 1424 तक चला गया। तो इस बात पर फ्रेंड लाइक तो जरूर बनता है। अगर वीडियो अगर आप पैसे चाहते हो कि मैं अपलोड करता रहूँ इंट्राडे स्टॉक के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का आप देखिए कि गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद जैसे इसने डे आई ब्रेक किया, जैसे ये देखिए लास्ट 10 मिनट की कैंडल आप 15 मिनट का भी अगर कर लेते हो तो जैसे ये देखिए 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ उसके बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया। बट आज इसने क्या किया कि रीटेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट ऊपर चलता गया चलता गया। अगर यहां पर रीटेस्ट कर जाता तो और ज्यादा बेटर होता। अब पहले आप इसका ये देख लीजिए वन डे टाइम फ्रेम निफ्टी का, डेली का टाइम फ्रेम में देखिए ये ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट ले रहा बार बार। तो इस सपोर्ट लाइन के पास कभी भी आपको दिखाई दे डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर ये जरूर सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर जो इसका रिस्टेंस था 16770 का उसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आज देखने को मिल चुकी है और अब ये जा सकता है। अगर ये कल 17,000 के ऊपर सस्टेन रहता है टिकता है तो ये इसका टारगेट रहेगा, फिर ये 16300-350 तक जा सकता है। बट उससे पहले ये जो बड़ा शार्प आया था ये एक रिस्टेंस फेस हो सकता है 17120 का। तो आप ये मान के चलिए कि 17,120 और दूसरा 17,350। बट इन केस जैसे यहां पर भी देख रहे हैं कि अगर ये रिटेस्ट कर जाता है, जैसे अगर आप इंट्राडे चार्ट में अगर देखते हैं हम इसका, तो इंट्राडे चार्ट पर भी अगर ये प्राइस इन केस गैप डाउन होता है या प्राइस कंटिन्यू फॉल होता है, अगर ये 16770 या 16800 के पास मिलता है और यहां पर थोड़ा टाइम बताने के बाद थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होता है, अगर ऊपर नीचे अगर होता है तो फिर उसके बाद जैसे ये ब्रेक करेगा वहां पर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि यहां पर इसने आज रीटेस्ट इतना नहीं किया तो ये भी एक अच्छा एंट्री जोन होगा इस लेवल के पास। पर इन केस अगर सेल साइड देखना है तो सेल साइड बिल्कुल ये जो अभी इंट्राडे में ये यहाँ पे लो बना था इस लो के नीचे 16870 या 16850 के नीचे करें, बट टारगेट आपको बिल्कुल शॉर्ट मिलेंगे सेल साइड में। तो जुलाई के मंथ में आप देखोगे कि करीब 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे से हमें देखने को मिले और ये जुलाई मंथ की सीरीज भी खत्म हो, मीन जुलाई मंथ की FN एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। और अगर ये मंथली टारगेट की बात करें तो ये टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट देखिए 38750 तक के मंथली वाइज। दूसरा आप देखोगे कि जब भी एक बड़ी कैंडल बनता है बैंक निफ्टी में एक काफी मूवमेंट आती है किसी एक मंथ में, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहां पर देखोगे पास्ट, उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा सा फिर नेक्स्ट मंथ
मूवमेंट कम रहती है बड़ी कैंडल बनने के बाद। जैसे ये देखिए, फिर एक स्मॉल कैंडल बनती है क्योंकि मूव एक बड़ा आ चुका होता है। बट ऐसा कोई 100% कोई कंफर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती, बट अज्यूम करके चल सकते हैं कि जितना लास्ट इस जुलाई सीरीज में हमें देखने को मिला मूवमेंट, उतना शायद आगे ना मिले। बट अगर बड़ा मूव मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट इंट्राडे के लिए तो आपको इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करना पड़ता है। ये तो सिर्फ आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपने बैंकिंग स्टॉक को बाय करना है तो बैंकिंग स्टॉक्स को डिप्स में बाय करने का एक अच्छा प्लान रहेगा अगर आपने पोजिशनल ट्रेडर हैं इक्विटी कैश में तो। और बैंक निफ्टी का अगर आप डेली का चार्ट देखेंगे तो डेली के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि अब इसका जो रिस्टेंस, अगला रिस्टेंस है वो है 37,980, या आप मान के चलिए 38 का, 38,000 का इसका रिस्टेंस है। और अभी जो बिल्कुल ये रिस्टेंस जोन में जा रहा है, तो अभी ये रिस्टेंस जोन में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये अगस्त सीरीज थोड़ी सी टफ रह सकती है, थोड़ी अप डाउन रह सकती है। तो यहाँ पर दो टारगेट निकल के आते हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो 37,950 सेफ साइड, और दूसरा है 38,832, 38,800 का। बट बात करें इंट्राडे में, इंट्राडे में कैसे पोजीशन बनानी है, तो इंट्राडे में आप देखोगे तो यहाँ से ये ऑलरेडी गैप अप यहाँ पर सेम निफ्टी की तरह देखने को मिला, और इसमें पोजीशन तभी बनाइए अगर ये कल को, ये जो आज का डे आई था इसके ऊपर मार्केट टिकती है 37,500 के ऊपर, तब फिर आप जा सकते हैं इसमें 37,800-900 के टारगेट के लिए। और इन केस अगर ये 37,200 ब्रेक होता है तब आपको इमीडिएटली मे भी 37,050 तक टारगेट देखने को मिले, और नीचे फिर 36,800 तक के। अब ये देखिए, जिसने लेट एंट्री ली होगी ऑप्शन बायर ने, यहाँ पर कहीं मैं ये डिलीट कर देता हूँ, अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होगी आज के ऑप्शन प्राइम में, अगर प्रॉफिट बना लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये सबका देखिए जीरो हो गया। यहाँ पर ऑप्शन का बायर जीरो हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो अगर आपको उसके बेनिफिट डिसएडवांटेज नहीं पता तो ऐसे आप ट्रेड मत करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए देखिए ऑप्शन सेलर का पैसा बनाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सेलर का पैसा बना। मार्क निफ्टी अप डाउन सिर्फ एक रेंज के अंदर, जब ऊपर काफ़ी मूव हो गया उसके बाद एक रेंज के अंदर था, क्योंकि यहाँ से फिर दोनों तरफ से पुट में कॉल में सारे पुट कॉल यहाँ पर जीरो कर दिए गए और पैसा अच्छा बनाया गया ऑप्शन सेलर का। अब बात करते हैं कल के लिए एक इंटरडे स्टॉक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने पहले भी आपको एक बार सजेशन दिया था कि जब भी ये देखिए ये लेवल 1760 क्रॉस होंगे तब अच्छा मूवमेंट आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया था ये 14 जुलाई को, और उसके बाद ये देखिए ये 1760 से लेकर 1850 तक पहुंच गया था, उसके बाद इसने अब रिट्रेसमेंट भी दे दी है, तो ये अब ऐसे रिट्रेसमेंट दे चुका है और नीचे रिटेस्ट भी कर चुका है, और उसके बाद अब आज इसने आज काफ़ी अच्छी कैंडल बना दी। तो ये अगर कंटिन्यू मूवमेंट रहता है तो ये टारगेट जा सकता है यहाँ पर 1860 और सेकंड 1880 तक। और इसका अगर आप 10 मिनट का चार्ट देखें तो इसमें आप देखोगे कंटिन्यू मूव अपसाइड में रहा, तो इसमें अगर डे आई क्रॉस होता है उसके बाद ही इंटर करें, जैसे ही आज का डे आई क्रॉस होता है 1832 तो बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रख लें, ये बिल्कुल जो लास्ट टाइम ये लो था 1824, ये टाइट स्टॉप लॉस के साथ इंटर ट्रेड करें, क्योंकि फ्रेंड्स रिस्क रिवॉर्ड जरूरी है मैनेज करना, 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए, और जितना टाइट स्टॉप लॉस होगा उतना आप इंट्राडे में परफेक्ट प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये आप सेल साइड देख सकते हो, मैंने इसका चार्ट वैसे इंट्राडे चार्ट वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया था टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, मैंने अभी वहाँ पर ये इंट्राडे का चार्ट एक्सप्लेन करके डाल दिया वहाँ पर। और अगर बट इसमें बाय कैसे करना है, सॉरी सेल सेल के लिए देखना, आपने इसको सेल के लिए तब देखना है अगर ये इन केस यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर ये 203 के आसपास मिले तो यहाँ पर सेल कीजिए, और टॉप लॉस होना चाहिए आपका ये 207 के अबव, और टारगेट आप जाइए
एट लिस्ट यही आपका टारगेट रहेगा 194 और 190 तक के टारगेट। बट इसमें कंडीशन यही है कि सेल इसको तभी करें अगर ये 203 के आसपास मिले। उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक बार फिर ये यहाँ पर बाउंस देगा और फिर ये प्राइस नीचे गिरेगा। लास्ट टाइम भी आप देखोगे ये गिरा, यहाँ पर एक राउंडेड पैटर्न बना और फिर ये प्राइस, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी समय होल्ड किया और आज इसका रिजल्ट डे था, रिजल्ट आया उसके बाद ये देखिए। तो बिल्कुल आज भी जो हमने इसमें बाई किया था बिल्कुल स्टॉप लॉस इसमें ये बड़ा स्टॉप लॉस था और इसमें आज हमने मतलब ऑप्शन में बाई किया था वैसे इसको सेल किया था, मींस पुट ऑप्शन बाई किया था। और फ्रेंड्स संडे को हमारा फ्री मास्टर क्लास है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये संडे 4 PM पर लाइव फ्री मास्टर क्लास होगी, जरूर अटेंड कीजिए। प्राइस एक्शन ट्रेनिंग आपको सीखने को मिलेगा, इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा संडे वाले दिन। तो दोस्तों जो मैंने आपके साथ आज एनालिसिस शेयर किया, प्लीज़ अपना एनालिसिस जरूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। और कोई आपको ऐसा स्टॉक दिखाई दे रहे हो इंट्राडे के लिए बेटर बाय या सेल के लिए तो शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।